प्रगतिशील अधिवक्ता समिति द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर एक संगोष्ठी का आयोजन रविवार को दीवानी कचहरी परिसर स्थित सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन सभागार में किया गया। इस मौके पर प्रगतिशील अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष सुभाष पाल, सचिव विनोद यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राधेश्याम सिंह, उपाध्यक्ष श्याम मिलक, कोषाध्यक्ष राम किंकर यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता रत्नाकर सिंह सहित समिति के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। संगोष्ठी के दौरान वक्ताओं ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर अपने विचार रखे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि एक अधिवक्ता समूचे समाज को न्याय दिलाने में सब कुछ निछावर कर देता है, लेकिन जब अधिवक्ता के हित की बात आती है तो वह स्वयं न्याय से वंचित रह जाता है। अधिवक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए सरकार को एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर विचार करना चाहिए। लेकिन बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन से जुड़ी होती हैं, हमारे करियर से जुड़ा होता है, हमारे पेशे से जुड़ा होता है कि अधिवक्ताओं का कार्य न्याय दिलाने का है। और हम इस कार्य को लगातार करते आए हैं, हम इस कर्तव्य को लगातार पूरा करते आए हैं। साथियों, हम दूसरे की लड़ाई लड़ते आए हैं, हम अपने मुवक्किल की लड़ाई लड़ते आए हैं, वास्तारी की लड़ाई लड़ते आए हैं, लेकिन साथियों यह भी सच है कि इस लड़ाई में हम अपनी लड़ाई भूल गए। हम इस लड़ाई में अपनी लड़ाई भूल गए और निरंतर अधिवक्ताओं को कमजोर करने का प्रयास किया गया। हम यह भी कि बहुत सारे सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, जो अधिवक्ता हैं, लेकिन मित्रों हम यह भी जानते हैं कि हमारे लिए आवाज जब बार एसोसिएशन शुरू करता है, जब छोटे बड़े संगठन शुरू करते हैं और वह आवाज जब ठोस रूप लेता है, आंदोलन का रूप लेता है, तब जाकर के हमारी आवाज को थोड़ी बहुत सुनी जाती है। लेकिन मीडिया में हम देखते हैं कि मीडिया में इस पर डिबेट नहीं होता है। और इतना बड़ा आंदोलन 2012 से चला कि वह आंदोलन इतना जबरदस्त रूप ले लिया कि 26 जून को वहां के अधिवक्तागण बार काउंसिल ने कहा कि अगर एक महीने के अंदर इस एक्ट को लागू नहीं किया गया अध्यादेश के द्वारा तो हम सारे सांसद विधायकों का घेराव करेंगे और कोर्ट परिसर में उनको घुसने नहीं देंगे। लेकिन यह भी मीडिया में नहीं आया, वहां का आंदोलन तेज रहा। उसके बाद साथियों पंजाब के अधिवक्तागण यह आंदोलन कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। तमिलनाडु के अधिवक्तागण यह आंदोलन कर रहे हैं, वहां भी जबरदस्त मूवमेंट चल रहा है। और आज से 3-4 दिन पहले की खबर है कि मध्य प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं के ऊपर अगर हमला होता है और किसी भी प्रकार का वह हमला होता है तो वह कागजी जेल ऑफेंस होगा और उसमें जमानत नहीं होगी। तो क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया, फूड एक्ट आया, इज्जत थी हमारे देश की। अधिवक्ता जो पूरे समाज को न्याय दिलाने वाला है उसकी सुरक्षा भी एक मुद्दा है, अहम मुद्दा है और इसके लिए एक्ट आना ही चाहिए। अब साथियों ये बात आता है कि एक्ट का मसौदा क्या हो। यहाँ सभी विधिक ज्ञाता लोग बैठे हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि कानून का मसौदा कैसा हो, कहाँ हमारी सुरक्षा सुनिश्चित है। तो साथियों इसी को लेकर के है कि हमारी सुरक्षा सर्वोपरि हो, हमारी सुरक्षा होगी तो हम इस पक्ष रखते हैं, हम बिना भय के अपना विधि कार्य करते हैं। शुरू करता हूं दोस्तों, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को
व्यसन नहीं है, यह संवेदनाओं से भरा वह सामाजिक दायित्व है जिसे अधिवक्ता समुदाय पूर्ण विश्वास, उत्तरदायित्व और समर्पण की भावना के साथ संपादित करता है। यह सच है कि कहीं न कहीं यह व्यवसाय हमारी आजीविका से जुड़ा हुआ है, पर निश्चित तौर पर हम इस कार्य के संपादन में सीमा पर लड़ने वाले अपने वीर रणवाग्रे फौजियों के समान समर्पित होते हैं, जो जान की जोखिम के बाद भी अपने कर्तव्य पथ से नहीं टिकते। यहां हमें कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि हमें सरकार या उस समाज जिसकी न्याय की चाहत में हम अपना जीवन भी दांव पर लगा देते हैं, ये संस्थाएं हमें कहीं भी प्रोटेक्ट नहीं करती। एक सैनिक जब भारत माँ की रक्षा में अपनी शहादत देता है तो पूरा देश उसे अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देता है। राष्ट्रध्वज में नमन करके उसके शव को अंतिम संस्कार किया जाता है, शायद वो भारत में किसी व्यक्ति को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है। और हम न्याय के पहर पे अधिवक्ताओं की शहादत तो कई बार बहुत बार छोटी सी खबरों में निकलती है।